वेलकम डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज क्लास 7 में 11 बी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी, तो आज हम दो मजीद प्रॉब्लम लेके आए हैं। वर्ड प्रॉब्लम 11 बी एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि हमें वर्ड प्रॉब्लम से सिंपल इक्वेशन कैसे ट्राई करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सेम ही प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 और 7 मैंने लिया है। यहाँ पर 3 प्रॉब्लम में भी सेम तरीके से हमें इक्वेशन पहले निकालनी है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। 7 में भी सेम तरीके से, मतलब जो हमारी 11 चैप्टर में पूरा का पूरा जो है वो ये सॉल्यूशन निकालना, हम इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड आरएस 300 बिटवीन हिना एंड विना सो दैट हिना गेट्स आरएस 100 लेस देन 3 टाइम द अमाउंट दैट हिना गेट्स। पहले हमें प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझनी होगी। लैंग्वेज कह रही है कि हमारे पास 300 रुपीज है, वो हमें डिवाइड करने हिना और रीना के बीच में। अगर कंडीशन दे रहा है कि रीना गेट्स आरएस 100 लेस देन 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स से 100 कम अमाउंट ले रही है किससे, हिना से। तो हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमें फाइंड करनी है हिना कितने रुपीज लेगी और रीना कितने रुपीज लेगी। तो लेट हिना गेट्स आरएस एक्स रुपीज, हमें पता नहीं कितने ले रही है मगर हमने लेट लिया है वो एक्स रुपीज लेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीना गेट्स 3x-100। अब 3x-100 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है कि रीना गेट्स 100 लेस देन 3 टाइम्स, मतलब रीना 100 लेस देन, मतलब मैंने माइनस किया है 3 टाइम्स किससे, हिना से। तो हिना कितना अमाउंट ले रही है एक्स, तो एक्स का 3 टाइम्स करके माइनस 100 करेंगे, ये हमने क्वेश्चन से लिया। अब दोनों का सम कितना है 300, क्योंकि 300 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस 3x-100, मतलब ये दोनों नंबर का सम जो है वो क्या है 300 है। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम पहले से किया है, किसे निकालते हैं, ये एक्स प्लस 3x कितनी हो जाएगी 4x, और जो ये 100 माइनस की है इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और 300 प्लस 100 क्या हो जाएगा 400, और जो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 का टेबल 400 पे 100 टाइम जाएगा, तो एक्स गेट्स कितने रुपीज 100 रुपीज, एक्स 100 रुपीज दे। तो हमारा ये हो गया रीना का अमाउंट, किसका हो गया है ये हिना का अमाउंट हो गया। अब हमें फाइंड करना है रीना का अमाउंट, रीना का अमाउंट कितना है 3x-100, हमें जैसे कि एक्स का कितना मिला है 100, तो x की जगह पुट करेंगे 100, 3 × 100 − 100, 3 × 100 का आंसर आ जाएगा 300, और ये −100 मैंने सेव लिख लिया, 300 से 100 जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। अब हिना का अमाउंट जो होगा वो होगा 100, और जो हिना का अमाउंट होगा वो होगा 200। अब देखो दोनों का सम कितना हो रहा है 300, हमें डिस्ट्रीब्यूट भी कितने रुपये कर रहे थे 300। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 350, फाइंड द नंबर्स। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव लगातार नंबर है उनका सम आ रहा है 350, जो मिसिंग नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो हम जैसे कि लेट लेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x x + 1 x + 2, ठीक है, मैंने ये 3 लगातार नंबर ले लिए हैं x x + 1 x + 2, क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी होती है तो हम वहाँ पर लेट लेते हैं x, और दूसरा नंबर में मैंने 1 ऐड कर लिया, तीसरे में मैंने 1 और ऐड कर लिया, ये क्या हो जाएगा x x + 1 x + 1, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। अब कह रहा है सम ऑफ 3, अगर तीनों नंबर का सम, तो मैंने क्या किया x x + 1 x + 2, मैंने 3 नंबर्स को सम किया, आंसर क्या आ रहा है 350, मतलब मैं क्वेश्चन से ही इक्वेशन बना रहा हूँ 350। अब x प्लस एक्स प्लस एक्स ये 3x हो जाएगी, और ये 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, और ये 350 मैंने सेम रख लिया। अब ये 3x ये प्लस का 3 जो है ये आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 350 में से 3 जाएगी तो 312 बचेगी, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। अब 3 का टेबल 312 पे जाएगा तो 104 टाइम्स, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 104 टाइम्स। अगर हमें x का वैल्यू गिवन हो गया तो हम x प्लस 1 का भी इजीली निकाल सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू हमने गिवन है 104, और प्लस 1 कर लिया तो 105 हो जाएगा। तीसरा नंबर है हमारे पास x प्लस 2, x की जगह मैंने 104 पुट किया और 2 से रख दिया, 104 + 2 = 106। अब देखो ये हमारे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे वो कौन से हो गए, 104 105 106। अब इन तीनों नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो 315 सेम आ जाएंगे। तो हमारे रिक्वायर्ड 3 नंबर्स के वो कौन से हो गए,
अगर आपको आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो इस एक्सरसाइज में से तकरीबन 12 या 13 प्रॉब्लम है वो उन पर आप प्रैक्टिस करें। अगर उनमें भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है या प्रीवियस वर्क में से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर ये आपका कोर्स पूरा हो गया तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो मैं बेसिक चीज़ें लेके आऊँगा आपके लिए कि ये आपको समझने में ईजी हो जाए। तो कोशिश करके आप चैप्टर नंबर 10 और 11 में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पेपर की तैयारी करें। तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे मगर वो बेसिक लेवल पे होंगे, जैसे अलजेब्रा की एडिशन सब्ट्रैक्शन वो हम सीखेंगे कैसे करते हैं। तो कोशिश करके आप इन प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करिए। तो बेस्ट आपका घर में रहिए, खुश रहिए और हमें घर में